नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का सातवां पाठ निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 7.1 में पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न नंबर एक लिख लेते हैं पहले का पहला। देखिए लिखा है, दो निर्देशांक दे रखा है, 2 और 3 और 4 1। ठीक ना, तो दूरी सूत्र पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2। ठीक ना, अगर इन बिंदुओं ए और बी के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात इस सूत्र की मदद से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर कर्णी में लिखिए x1 - x2 ( (y1 - y2) ) 2। ठीक ना, ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर, देखिए यहाँ x1 x2 लिखा है तो लिख सकते हैं x2 - x1 ( (y2 - y1) ) 2। ठीक ना, चाहे x1 में से x2 को घटाइए। ठीक ना, तो दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला होता है। अब इसी की मदद से हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, इसको हम a मान लेते हैं और इसको b, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी या दूरी लिखेंगे ए बी बराबर कर्णी में x1 - x2 ( (y1 - y2) ) 2। ठीक ना, तो इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब देखिए मान रख लेते हैं, तो देखिए x1 कितना है, 2 माइनस ये 4 हो गया प्लस y1 3 और y2 1 है, तो 1 का स्क्वायर। देखिए इसको हल करेंगे, 2 में से 4 गया - 2 ( (3 में 1 = 2). तो ये का 2 का वर्ग या -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 2 का वर्ग ये भी 4, इस प्रकार 4 4 8 आया। अब देखिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 × 2 × 2। ठीक ना, चूँकि वर्गमूल में है, वर्गमूल 8 है, तो इसका 2 2 का जोड़ा बनेगा। तो अगर 2 2 का जोड़ा देखिए बना तो ये 1 बाहर 2 चला आएगा, तो 2 का जोड़ा बनने के कारण 1 2 बाहर लिख लिया। अब इस 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है इसलिए इस कर्णी के अंदर ये 2 रह जाएगा। तो इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 कर्णी 2 ज्ञात हो गई। अब देखिए दूसरा भाग देखते हैं इसका। तो दूसरा भाग में लिखा है -5 7 - 1 3। ठीक ना, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसको ए मान लें, इसको बी, ठीक ना, और इसको x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कर्णी में x1 - x2 ( (y1 - y2) ) 2। तो यहाँ मान रख लेंगे, x1 कितना है, x1 देखिए -5 है, फिर माइनस x2 कितना है, देखिए माइनस है। ठीक ना, ये माइनस और ये माइनस मिलकर +1 हो जाएगा।
प्लस वाई वन कितना है 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 5 प्लस 1 है ना, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 4 आएगा और बड़ी संख्या माइनस है तो ये माइनस लगाएंगे भी, प्लस 7 में 3 गया तो ये 4 आ गया। इस प्रकार ये 4 का माइनस 4 का माइनस 4 है ना वर्ग है, तो 4 चौक 16 और माइनस का प्लस, इसी प्रकार माइनस ये 4 का भी वर्ग 16 ही आएगा और 16 16 32, और इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 32 लिखा हुआ है तो 2 × 2 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32, इसमें देखिए वर्गमूल होने के कारण 2 2 का जोड़ा बनेगा तो बाहर निकलेगा, तो ये 2 × 2 बना तो इसका एक बाहर करनी के बाहर लिख दिया, फिर इसका भी 2 का बना बाहर तो बाहर कर दिया और इसके अंदर केवल 2 बच गया क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ये हो गया 4 × 2, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं, यहीं पर लिखा है ए बी और यहां लिखा है माइनस ए माइनस बी, ठीक ना। तो इसको ले लेते हैं एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स टू, इसको वाई टू और इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बराबर करनी में एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। देखिए इसमें मान रख लेते हैं बस, एक्स वन कितना है ए माइनस एक्स टू कितना है माइनस ए, ठीक ना। तो ये हो गया प्लस वाई वन कितना है बी माइनस वाई टू कितना है माइनस बी, तो ये स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ए और 2 माइनस मिलकर प्लस ए का घात 2 प्लस बी प्लस बी, देखिए यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया। ये हो जाएगा ए का ए ए ए 2 ए स्क्वायर प्लस बी बी 2 बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा करनी में 2 का वर्ग 4 और ए का ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। तो इसमें देखिए 4 दोनों पदों में है तो बाहर निकल जाएगा, उभयनिष्ठ ले लेंगे इसका, तो ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। और अगर करनी के अंदर 4 है तो वर्गमूल है तो इसका ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, 2 करनी में रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 के तीनों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है बिंदुओं 00 है ना, निर्देशांक दिया हुआ 00 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ये मान लिया ये 00 हो गया और ये 3615, ये 36 और 15, ठीक ना। इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूरी सूत्र लगाते हैं। देखिए इसको एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स टू और इसको वाई टू, तो दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखिए दूरी का सूत्र ए बी बराबर करनी में, ठीक ना, इसमें एक बार एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स टू कितना है 36, तो 36 माइनस शून्य का स्क्वायर प्लस 15 माइनस शून्य का स्क्वायर, तो ये आ गया 36 माइनस 0 मतलब 36 का स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर का मतलब 36 को 2 बार गुणा करना है, तो 36 को 2 बार गुणा कर लेते हैं, 36 गुणे 36, 6 छंग 36, 6 3 18,
21, 18, ये 10, 6, 9, 2, 1296 आया। यहाँ लिखते हैं 1296, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसमें जोड़ लेते हैं 225, 6, 5, 11 हासिल 1, 9, 2, 11, 1, 12 हासिल 1, 2, 2, 4, 1, 5, तो ये आ गया 1521। और इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वर्गमूल करने के लिए इसका पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 15 21 का गुणनखंड, तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, एक बगल में गया 3, दो बगल में गया 3 छक 18, 20, दो बगल में 3 नवा 27, 169। देखिए 13 का ही वर्ग होता है, ठीक ना, तो ये हो गया 3 गुड़े 3 गुड़े 13 गुड़े 13, तो इसका देखिए क्या बना, 3 3 का एक बाहर निकलेगा और ये 13 का एक 13, ठीक ना, तो ये हो गया 13 त्याई 39, दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए 39 आ गया, ठीक ना। इसका अगला भाग में लिखा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 7.2 देख लेते हैं, इसमें क्या देखिए, ये 7.2 में फोटो बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, यक्ष ये वाई अक्ष, ठीक ना, ये उत्तर दिशा, ये एक्स ये पूर्व दिशा, ठीक ना, और यहाँ से देखिए ये बी है, यहाँ की बी की दूरी दे रखी है, ये बी है, ये बी दिया हुआ है, ठीक ना, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ए ना मूल बिंदु पर है, ये मूल, ये देखिए ना एक्स और वाई अक्ष जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 00 होते हैं। इस प्रकार बिंदु ए के निर्देशांक 00 हो गए, और बी का दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा है, कितना दिया है 36, ये हो गया 36 किलोमीटर, और बी का दिया है 15 किलोमीटर, ठीक ना। इस प्रकार ये आकृति दी हुई है, तो आकृति में देखिए बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बी के लिए पहले यक्ष यहाँ से इसकी यक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात करते हैं, तो ये रही यक्ष, ये यक्ष अक्ष की दूरी, ये रहा आपका 36 और ये 15, तो 36 ये दूरी यहाँ लिखे पहले यक्ष, ये 36 और ये जो होता है ये 15, ठीक ना, ये रहा वाई मूल बिंदु से वाई है ना कितनी दूरी पर है, तो ये वाई कहलाता है, इसी प्रकार ये यक्ष अक्ष, तो ये 36 और 15 आया। इस प्रकार ए और बी बिंदुओं की बीच की दूरी देखिए हमने पहले निकाल लिया है 39, तो लिखेंगे अतः ए और बी के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, देखिए लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, देखिए 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, और बोलता है कि क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो देखिए संरेखी के लिए पहले तीनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1, 5, 2, 3 -2 और -11, ठीक ना। अब देखिए अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक ना, संरेख है इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर हैं, यही मतलब हुआ, ये तीन बिंदु एक सीधी रेखा पर हैं, तो हम मान लेते हैं इसको, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो देखिए बी के निर्देशांक मान लिया, यहाँ हमने लिख दिया 2, 3 और सी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -2 और -11, ठीक ना। और ए के निर्देशांक देखिए यहाँ ए लिख लेते हैं, ए कितना है 1 और 5, ठीक ना। यदि ये तीनों बिंदु इस स्थिति में होंगे तो इसका मतलब ए बी की दूरी और ए सी की दूरी है ना, इन दोनों की दूरी को अगर जोड़ेंगे
तो बी सी की दूरी ज्ञात हो जाएगी, है ना भाई। इनको और अगर इनको जोड़ेंगे तो कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो इसको अगर ये संरेख हैं तो हमको क्या प्रूफ क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, ये प्राप्त होना चाहिए, है ना। इसको इसको दूरी जोड़ेंगे तो कुल दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो इससे पता चल जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेख ही हैं। तो पहले सबसे पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ए बी ज्ञात करने के लिए ए बी बराबर सूत्र लिख लेते हैं, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू। तो इसमें मान रख देते हैं इनके, एक्स वन कितना है वन माइनस एक्स टू कितना है टू का स्क्वायर प्लस ये एक्स वन एक्स टू है, यहाँ एक्स टू एक्स टू वन लिख दिए हम, तो यहाँ पर वाई वन और वाई टू लिख लीजिए, ठीक ना। यदि एक्स वन एक्स टू लिखे हैं तो यहाँ भी वाई वन वाई टू लिखिए, और अगर यहाँ एक्स टू वाई एक्स वन है तो यहाँ भी वाई टू और एक्स वन लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ वाई वन है तो यहाँ वाई वन पाँच माइनस वाई टू कितना है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार ये हो गया, एक में दो गया है ना, छोटे से बड़ा गया तो माइनस वन का स्क्वायर आ गया, प्लस तीन में दो गया, सॉरी पाँच में तीन गया दो, दो का स्क्वायर। तो इस प्रकार एक का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन और दो का स्क्वायर चार, तो ये आ गया करणी पाँच आया। अब इसमें देखते हैं एसी ज्ञात करते हैं। एसी बराबर इसमें भी सूत्र लिख लेते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं इसमें, अब देखिए अगर हम एसी निकालें ए और सी, ठीक ना, तो इस हिसाब से अब ये अब वो एक्स टू वाई टू हो गया, तो ए सी कितना है, तो इसमें देखिए यहाँ ए सी, तो ये हो गया वन माइनस, और ये माइनस में, ये माइनस में भी है तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर प्लस टू हो जाएगा, प्लस वाई वन कितना है फाइव माइनस, और वाई टू फिर माइनस में है तो इस प्रकार माइनस इलेवन, तो ये प्लस में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखते हैं प्लस इलेवन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे, दो और एक तीन, तीन का स्क्वायर और ये पंद्रह सोलह का स्क्वायर, तीन का नौ और सोलह का दो सौ छप्पन, तो इनको जोड़ लेते हैं, छः नौ पंद्रह छः, ये हो गया दो सौ पैंसठ आया। अब क्या ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बी सी क्या हो जाएगा, करणी में एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो इसमें देखिए बी सी है, बी और सी, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक्स वन और वाई वन लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक ना। अब सूत्र लिख लेते हैं, तो हो गया टू माइनस, ठीक ना, एक्स टू भी माइनस में है इसलिए ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस टू लिख देते हैं, प्लस थ्री माइनस और माइनस प्लस, ठीक ना, तो थ्री प्लस इलेवन का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो गया दो दो चार का स्क्वायर प्लस तेरह, ये हो गया चौदह का स्क्वायर, तो ये चार चौक सोलह और चौदह का स्क्वायर 196 होता है। इनको जोड़ लेते हैं, छः छः बारह हासिल एक, नौ दस एक ग्यारह और एक एक दो, तो ये हो गया 212। अब देखिए इसमें ए बी को जोड़िए, ए बी प्लस ए सी, देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं है ये, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस ए सी
बराबर नहीं है बीसी के, ठीक ना। तो अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये संरेखी नहीं है। ये प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 3 था ये, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में लिखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, देखिए 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, ठीक ना। तो सम, तो प्रश्न नंबर 4 में एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। देखिए सम द्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक ना। तो इसके निर्देशांक लिख लेते हैं, 5-2, बी का लिख लेते हैं 2-3, और सी का लिखते हैं 2। ये बी का हो जाएगा 6-4, और सी का हो जाएगा 7-2। तो 5-2, 6-4 और 7-2, ठीक ना। तो इसमें हम सभी भुजाओं की दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे और सी ए ज्ञात करेंगे, ठीक ना। इनमें से अगर कोई दो भुजाएं की लंबाई बराबर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक ना। तो हम पहले ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी बराबर करनी में x1-x2 का स्क्वायर प्लस y1-y2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं x1, इसको लिख लेते हैं y1, इसको x2 और इसको y2। तो देखिए मान रखना है, मान रख देते हैं। तो x1 कितना है 5, माइनस x2 कितना है 6, प्लस y1 कितना है -2, माइनस y2 कितना है 4। तो 5 में 6 गया, देखिए छोटे से बड़ा जा रहा है तो -1 का स्क्वायर प्लस 6, माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा तो 4-2-6 का स्क्वायर, ठीक ना। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और -6 का स्क्वायर भी करेंगे तो 6×6=36, ठीक ना। इस माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, इस माइनस का भी वर्ग प्लस हो गया, तो इस प्रकार 36 और 1 37 आ गया। अब बी सी ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेंगे बी सी, तो इसका भी वही दूरी सूत्र लगाते हैं। तो ये जगह x1-x2 का स्क्वायर प्लस y1-y2 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए बी सी ज्ञात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर x1 इसको लिख लेते हैं, ये हो गया x1 और ये y1, ठीक ना। तो x1 कितना है 7-6, और ये है -2-4, ये हो जाएगा 7 में 6 गया 1 का वर्ग, और 4-2-6 -6 का वर्ग। देखिए 1 का वर्ग 1 और -6 का वर्ग 36, तो ये आ गया 37, ठीक ना। और एक अंतिम भुजा ये बची है, तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आप ए सी लिखिए चाहे सी ए लिखिए, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ए बी लिखें बी सी लिखें, तो यहाँ पर हम सी ए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1-x2 का स्क्वायर प्लस y1-y2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब देखिए सी ए है सी ए, तो अब इसको x2y2 लिख लेते हैं। तो ये हो गया x2, ये y2, तो इसमें रख लेंगे
देखिए यक्स वन कितना है 7 माइनस यक्स टू 5 प्लस वाई वन माइनस टू माइनस, देखिए फिर माइनस आ रहा है यहाँ पर, इस प्रकार दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 7 में 5 गया 2 का स्क्वायर, तो देखिए 2 में 2 गया 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा ये, तो 2 का स्क्वायर 4 मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा। इसमें ए बी और बी सी देखिए दोनों बराबर आ गए हैं, ठीक ना, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी है ना, तो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, किसी कक्षा के 4 मित्रों ए बी सी और डी पर बैठे हैं, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी ये 4 मित्र चार जो हैं बैठे हुए हैं, ठीक ना, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक ना। चंपा बोलती है कि ये ए बी सी डी एक वर्ग के रूप में बैठे हैं, तो चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक ना। तो हम देखिए ए बी सी डी इन चारों के पहले इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 है ये, तो देखिए बिंदु ए के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले इस ए बिंदु के पहले यक्स अक्ष पर मिलाएंगे, ठीक ना, तो इस ए को यक्स अक्ष पर मिलाए तो देखिए 3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पहले 3 लिखेंगे, फिर इस ए बिंदु को वाई अक्ष पर मिलाएंगे तो ये 4 आया, तो यहाँ ये 4 प्राप्त हुआ, ठीक ना। फिर बी के निर्देशांक देखते हैं, इसी प्रकार बिंदु बी है तो बी बिंदु को पहले यक्स अक्ष पर मिलाएंगे, तो देखिए यक्स अक्ष पर मिलाए तो ये देखिए 6 प्राप्त हो रहा है, तो 6 लिखेंगे, फिर वाई अक्ष पर 7 प्राप्त हो रहा है तो लिखेंगे 7, तो पहले यक्स के निर्देशांक को लिखते हैं फिर वाई के निर्देशांक को लिखते हैं, तो पहले 6 फिर 7 लिखेंगे तो ये 6 और ये 7 प्राप्त हो गया। अब सी के देखते हैं, तो सी वाले को पहले यक्स अक्ष पर मिलाए तो 9 आया, और वाई को मिलाए 6 इस वाई अक्ष पर मिलाए तो 4 प्राप्त हुआ, इस प्रकार 9 और 4 इसके प्राप्त हुए, 9 और 4। और डी बिंदु का देखिए, तो डी को पहले यक्स अक्ष पर मिलाए तो 6 प्राप्त हुआ, और डी को वाई अक्ष पर मिलाए तो 1 प्राप्त हुआ, तो 6 और 1 है ये 1। अब देखिए इन ये इस प्रकार ये चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लिया, ठीक ना। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं इसको, देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ठीक ना, तो ये लिखा हुआ है ए बी सी और डी, तो ए के निर्देशांक कितना प्राप्त हुआ 3-4, बी का 6-7, सी का 9-4 और डी का 6-1 प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो पहले हम सबकी सारे बीच की दूरियों की सारी सभी भुजाओं की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ए बी बी सी डी और डी ए ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं, तो ए बी आ जाएगा, तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस
वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक ना। तो इस पर लिखेंगे, देखिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, x1 कितना है 3 माइनस x2 कितना है 6 और ये 4 और माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 3 में 6 गया 3 माइनस 3 प्लस 4 में 7 है ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या है तो माइनस में 3 आया। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 9 18 आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें इसका कुछ बाहर निकलेगा तो देख लेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, तो ये जोड़ा बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 करनी 2 आया। फिर बी सी याद करते हैं, तो बी सी बराबर फिर ये सूत्र लिख लेंगे, दूरी सूत्र, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक ना। इसमें मान रख लेते हैं बी सी कितना है, बी सी, ठीक ना। तो इसको एक्स वन इसको एक्स टू यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ठीक ना। तो इसमें रख देंगे हम मान, तो ये है करनी में 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो बराबर 6 में 9 गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर भी 9, सॉरी माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, 9 9 18। अब इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए 9 9 18 कहता है 2 गुणे 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, इसमें से 3 बाहर चलाएगा तो ये हो गया 3 करनी 2। तो ये बी सी ज्ञात हो गया। अब सी डी ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर, तो ये होता है इसका भी सूत्र लिख लेते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो सी डी के लिए लिखेंगे, अब सी डी के लिए एक्स वन वाई वन, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे एक्स वन कितना है, देखिए ये 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये ज्ञात हो जाएगा 6 में 9 गया माइनस 3 प्लस 1 में 3 गया माइनस 3 का स्क्वायर, तो जाएगा देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, इस प्रकार आया 18। तो इसका 18 को ले सकते हैं 3 करनी 2, ठीक ना। तो सी डी ज्ञात हो गया। अब इसके आगे लिखते हैं सी डी, अब डी ए ज्ञात करते हैं, तो देखिए डी ए क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें डी ए, ठीक ना, तो डी ए एक्स, यहाँ एक्स टू एक्स टू एक्स टू और ये वाई टू लिख लेते हैं, तो ये हो गया 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया 6 में 4 गया 2 का स्क्वायर और 1 में 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, तो इस प्रकार 9 4 13 प्राप्त हुआ। 6 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, ये गलती हो गया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, इस प्रकार ये 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 त्रिकाई 9 और 9 9 18, 9 9 18 हो गया और ये हो सकता है 3 करनी 2 हो गया। इस प्रकार जब देखा
तो सभी भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही है, तीन करनी दो, ये देखिए ये भी और ये भी, इस प्रकार सभी भुजाएं तो लंब बराबर हो गई। अब इनके विकर्ण देख लेते हैं कि विकर्ण बराबर हैं कि नहीं। तो विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो विकर्ण क्या है, AC और BD। तो पहले AC ज्ञात कर लेते हैं, AC बराबर करनी में x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको इसको ले रहे हैं, है ना, AC है तो अब इसको 1-1 कर लेते हैं, 1-1, ठीक ना, चाहे इसको 1 करिए चाहे इसको 1 करिए, दूरी ज्ञात करना है, आंसर सेम आएगा। तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, इस प्रकार ये आया -6 का स्क्वायर, ठीक ना, 3 माइनस 9 6 माइनस में और 4 माइनस 4 ये शून्य हो जाएगा, तो ये 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, मतलब 36 आया, 6 × 36 और ये 6 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं ये वाला विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, BD को ज्ञात करते हैं, तो BD बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो इसमें मान रख लेते हैं, अब इसको x1 लिख लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। देखिए ये जगह 6 माइनस 6, ठीक ना, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए ये 6 में 6 गया 0 और ये 7 में 1 गया तो 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया करणी 36, तो ये 6 आ गया। तो देखिए विकर्ण की लंबाई दोनों 6 6 आया और शेष सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, ठीक ना, तो इसको लिख लेते हैं, देखिए चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA एवं विकर्ण भी बराबर हैं, AC बराबर BD, दिए गए चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं एवं इनके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, ठीक ना, अतः चार बिंदुओं से प्राप्त चतुर्भुज वर्ग है, ठीक ना, इसके वर्ग का मतलब इसके सभी भुजाएं बराबर हों और इनके विकर्ण भी बराबर हों तो उन्हें वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए दो मित्र थे तो इसमें कौन सही हुआ, तो देखिए चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, तो मतलब चंपा सही है, अतः इसके बाद अतः देखिए जो है नहीं है हम लिख दे रहे हैं पर अतः चंपा सही है, ठीक ना, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ, ठीक ना।